आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में अगर किसी राजनेता ने सबसे लंबे समय तक काम किया है तो वो है गिगोक अपांग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गिगोक अपांग ने करीबन अरुणाचल प्रदेश में 23 साल 7 महीने काम किया है, जिसकी वजह से वहाँ के जनता, वहाँ की जो जनता है उन्हें काफी प्यार देती है। अभी सिर्फ ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सुनने को आ रहा है कि गिगोक अपांग अपनी एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वो 60 सीट, यानी कि विधानसभा चुनाव जो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 60 सीट है, इन सभी 60 सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे। और इसी को सुन के विपक्ष दलों में अभी खलबली मच चुकी है। सिर्फ इतना ही सुन के विपक्ष अभी छटपटाई हुई है। अब देखना ये है कि अगर इनकी सरकार वहां आती है तो विपक्ष क्या करते हैं वहां पे। अभी आपको ये बता दें कि ये एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पर माने जाते हैं, क्योंकि जब इनका कार्यकाल वहां पे था तो जनता इनको काफी प्यार देती थी और आज भी इन्हें काफी ज्यादा सराहना वहां पे मिलती है। अब देखना ये है कि अगर लोकसभा, माफ कीजिएगा, अगर विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, यहाँ अगर उनकी सरकार बनती है तो विपक्ष क्या करती है। आपको बता दें, जब ये मुख्यमंत्री रहे थे वहां अरुणाचल प्रदेश में तो इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। ये जनता के बीच में जाते थे और उनकी समस्या सुनते थे और उसका प्रावधान निकालते थे। ये जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाते थे, जिसके वजह से जनता ने इन्हें काफी प्यार दिया। और अब 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब देखना ये है कि इनका क्या एजेंडा है, क्योंकि जब ये कार्यकाल में थे तो इनकी कई पार्टी, इनके कई नेता काफी अच्छा काम करते थे। अब जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसमें ये देखना है कि इनके नेता कितना अच्छा काम करते हैं और कितनी सीटें से ये जीतते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।